डॉक स्ट्रिंग पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। हम बात करेंगे डॉक स्ट्रिंग के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे फंक्शंस, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या है, ये आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं और रिटर्न का कीवर्ड फंक्शन के अंदर क्या करता है। तो लेट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक स्ट्रिंग से। हम एक यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन जिसका नाम हम रख रहे हैं टेस्ट, और ये हमारा फंक्शन एक ए लेता है और जो है उसके बाद हम लगाते हैं जनाब कॉलम, और कॉलन के बाद हमने रिटर्न में से ए ले लेना है। ठीक है, तो हम रिटर्न करा देते हैं यहाँ पे ए को, ये हमारा ए रिटर्न हो गया। अच्छा, अब अगर इस फंक्शन के बीच में यहाँ पे हम आप थ्री कोट्स लगा दें और उसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे उन थ्री कोट्स के बीच में, वो आपका डॉक स्ट्रिंग होता है। ये एक्चुअली क्या कर रहा होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके इसके फंक्शन के बारे में। आप जो चीज भी यहाँ पे लिखना चाहें ना, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम इसको कहा कि दिस इज अ टेस्ट फंक्शन। आप इसके बारे में, अब ये तो सिंपल सा एक टेस्ट फंक्शन है ना, आपका जो भी फंक्शन होगा आप उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जब आप इसको कॉल करेंगे, जैसे हम इसको कॉल करते हैं टेस्ट हमारा है, और जो हम इसमें सपोज वन पास कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं और ये हमारे पास रन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं कर्सर यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखा नजर आ रहा है, इन्फो दिस इज अ टेस्ट फंक्शन। तो ये फायदा होता है कि आपने जो भी फंक्शन बनाया हुआ है उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है आप उसकी डिटेल सारी की सारी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और कोई दूसरा जो आपके कोड को यूज कर रहा होगा उसको भी आपसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका ये फंक्शन क्या काम कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हेल्प में इसको यूज करना चाहें, आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप लिखते हैं हेल्प और उसके अंदर पास कर देते हैं अपना टेस्ट को, तो अगर आपने जो है अपने डॉक्स लिखे हुए होंगे तो आपके हेल्प में वो उसके बारे में डिटेल्स उसको बता देंगे। हेल्प ऑन फंक्शन टेस्ट इन मॉड्यूल मेन, और उसके बाद मैं थोड़ा सुपर करती हूँ ताकि आपको नजर आए, वो कह रहा है कि ये टेस्ट ए एक फंक्शन है जो कि ए का पैरामीटर लेता है, और इन्फो दिस इज अ टेस्ट फंक्शन, कि ये एक टेस्ट फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने हेल्प में शायद यूज किए होंगे, हम किसी भी मेथड या फंक्शन के बारे में डिटेल्स पता करना चाहें तो हेल्प में डालते हैं। तो अगर आपने डॉक स्ट्रिंग लिखे हुए होंगे अपने फंक्शन के अंदर तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, दूसरे लोग इसको यूज कर सकेंगे। इसको यूज करने का एक तरीका और भी होता है, जैसे आप प्रिंट कराएं और उसके अंदर हमारे फंक्शन का नाम था टेस्ट और उसके बाद हम रेंडर मेथड यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक इस तरह से करें तो भी हम इसके बारे में इन्फो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन्फो दिस इज अ टेस्ट फंक्शन। ठीक है, तो डॉक स्ट्रिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे फंक्शन मेथड जो भी हमारा आ रहे थे उसके बारे में अगर हम डिटेल देना चाहते हैं तो, ताकि हमारा यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके, कि दूसरा जो भी हमारा कोड यूज कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो उसके लिए हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। दैट्स द रीजन कि जब हम कोई मेथड कॉल करते हैं, कोई फंक्शन जो सिस्टम का पाइथन का अपना बना हुआ होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है ये फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि हम लोगों ने डॉक स्ट्रिंग्स ही को यूज किया होता है। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड टॉपिक आ जाता है कि हमने आज फंक्शन देखने हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफर कीवर्ड, इसका ये मतलब है कि हम डिफाइन करना चाह रहे हैं और फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं से हेलो, और से हेलो को अगर कोई कॉल करेगा तो यहाँ पे कॉलन डालते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे उसको जो है प्रिंट हेलो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। जब हम इस फंक्शन को इस पैरेंथेसिस के साथ इस तरह से लिखते हैं तो इसको कहते हैं इनवोक द फंक्शन या कॉल द फंक्शन। ठीक है, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी रिटर्न अगर होगा तो, वरना जो प्रिंट यहाँ पे हेलो हमने कहा हुआ है ये हमें ये प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे प्रिंट हमारे पास आ गया हेलो। अच्छा, अगर इसी अब इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, पैरामीटर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं, कुछ चूज करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस में डाल लें और कॉल करते हुए हम उसको पास करें, अभी जो मैं करती हूँ तो आपको क्लियर होगा ये बात, तो उसको हम कहते हैं कि पैरामीटर डालना। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा से इसी फंक्शन के अंदर सपोज कह देते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन होगा दो पैरामीटर लेगा, एक नेम का होगा और दूसरा जो है हमारी एक इमोजी पास कर देते हैं। ठीक है, कि ये दो पैरामीटर, ये अब ये जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं
ये यहाँ पे, ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर, तो इसको कहते हैं कि ये हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। जब, और इसको जब कॉल करते हुए, जब ये यही क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इसको कॉल किया जाएगा तो ये दोनों पैरामीटर इसको पास किया जाएंगे। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग हम यूज कर लेते हैं ताकि हम दोनों जो है अपने यहाँ पे यूज कर सकें नेम और इमोजीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को नेम और इमोजी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये हमारा नेम हो गया और दूसरा हमारी हो गई इमोजी, ठीक है। ये दोनों हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये प्रिंट कराएगा नेम और इमोजी को। तो यहाँ पे ये अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन नेम एनी इमोजी एनी एनी, ये हमें ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे से हेलो के इसको कोई ना कोई दो ये नेम और इमोजी पास किया जाएगा। अब यहाँ पे जब आपने पैरेंथेसिस के अंदर पास किया तो आप यहाँ कर्सर रखें तो यार है पैरामीटर नेम और एनीज, और जब हम इसको कॉल करते हुए यहाँ पे पास करेंगे तो इन पैरामीटर्स को यहाँ पे हम कहते हैं कि दीज आर द आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने डिफाइन करते हुए पास करते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, और जब उसको हम फंक्शन को कॉल करते हुए जब उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी होती है आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं डिस्पोज फोसिया, और जो है उसके बाद को इमोजी डाल देते हैं ये एक्स्ट्रा, ठीक है, ये इसका कोट यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने दोनों चीजें इसको डाल दी, ये दोनों चीजें एक्सपेक्ट करा था, नेम और इमोजी, ये दो चीजें थी के जो हमने इसको प्रोवाइड करनी थी। डोंट क्लोज इट हियर, एक कोट यहाँ पे इसका होगा। तो अब वाई इट्स बिहेविंग लाइक दिस, ओके, मैं इसको दोबारा से पास करती हूँ। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमने नाम पास किया और अपने यहाँ पे इमोजी पास कर दी, ठीक है, ये हम दो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके। तो अब हम इसको जो है रन करते हैं तो आपको यहाँ पे फोजिया और जो इमोजी जो है यहाँ पे नजर आनी चाहिए, ठीक है, ये फोजिया और इमोजी। अच्छा, अब अगर मैं ये करती हूँ कि मैं इसको कॉमा यहाँ से मैं हटाती हूँ और मैं इस इमोजी को इस नाम से पहले पास कर देती हूँ तो क्या उससे कुछ होगा, लेट सी। अभी आप नीचे देखिएगा कि यहाँ पे फोजिया और इमोजी पहले जब हमने रन किया था ना तो ये हमारे पास आ रहा था, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पास करते हैं इसको, अब हमने इमोजी को पहले पास कर दिया और फोजिया को बाद में पास किया, अब इसको रन करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए इमोजी पहले यहाँ पे हमें नजर आ रही है और ये बाद में आ रहे हैं नाम। तो इस वजह से इसको कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स, क्यों, जब हमने इनकी पोजिशन चेंज की तो इन्होंने अपना आउटपुट भी चेंज कर दिया। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे नेम या इमोजी किस उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करेंगे ना जिस जिस पोजीशन पे जो होगा उस तरीके से यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं पोजीशन आर्गुमेंट। तो हमने देख लिया कि हम ये पैरामीटर्स पास करते हैं, यहाँ पे जो हम पास करते हैं उनको तो हम उसको कहते हैं आर्गुमेंट्स, और इनको पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी पोजिशन चेंज करने से इनका आउटपुट चेंज हो जाता है। अच्छा, एक चीज और होती है कि अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये पास करने की बजाय यहाँ पे कीज पास करके, जैसे आप कह देते हैं नेम इज इक्वल टू और यहाँ पे आप नाम और इमोजी इज इक्वल टू और इमोजी, ठीक है, अगर आप ये पास करें तो इसको हम चलाएंगे तो हमारा रिजल्ट तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे पास किया वो हमें नजर आएगा। लेकिन अब इस तरह से जब आपने किया कि जब आपने यहाँ पे अपने वेरिएबल्स के नाम के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया तो अब हम कहते हैं कि ये की पैरामीटर है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कीज भी पास किए हैं। अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कीज के थ्रू इसको पास करना, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से हम कीज को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अब ये की आर्गुमेंट हो गया हमारे, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है कि अगर आप जो चाहते हैं कि अपने नाम और इमोजी को यही डिस्पोज आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बता दूं कि जो है मैं भी इनमें से एक नहीं दोनों नहीं मैं भी एक आप करना चाह रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ये बता देते हैं तो अब यहाँ पे फिर आपको आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। जब आप सिंपल इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इसको फिर क्या कहेंगे, जब इस तरह से हमने यहीं पे वैल्यूज पास कर दी तो अब इसको हम ये कहेंगे हमने डिफॉल्ट जो है ना ये हमारे पैरामीटर्स है, ठीक है, हमने यहीं पे, तो
बाय डिफॉल्ट ही इसको जो एज इट इज होगा उसको ले लेगा। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि किसी एक वैल्यू को या दो वैल्यूज को हमें डिफॉल्ट यहाँ पे पास करना होता है, जो हम यहाँ पे कॉल करते हुए पास नहीं करना चाह रहे होते हैं। डिपेंड जो हमारे नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, तो आज हमने डॉक स्ट्रिंग्स को देख लिए और हमने फंक्शंस की डिटेल्स देखी। अब एक और चीज यहाँ पे देखना मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी तक हमने यहाँ पे कोई रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं किया, हम जस्ट सिंपल यहाँ पे इनसे जो प्रिंट करा रहे थे। लेकिन अब मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाती हूँ जो कि एड का फंक्शन है। ठीक है, और ये दो नंबर ले रहे हैं हमारे से ए और बी, और मैं कहती हूँ कि ये इसको ए और बी यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड नहीं हम यूज करते, और हम कहते हैं कि सिंपल ये इसने करना क्या है कि ए और बी दो नंबर लेगा और इसको जो है ऐड कर देगा। ठीक है, हमारा फंक्शन जस्ट ये कर रहा है। तो अब हम इस फंक्शन को इनवोक करते हैं यानी कॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड को कॉल किया और हमारे पास ये दो नंबर मांग रहा है, तो वन और टू हमने इसको पास कर दिए और इसको जस्ट चलाते हैं हम। ठीक है, जस्ट रन किया और ये रन हो गया, टिक आपके पास आ गया कि जी चल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्यों नजर नहीं आ रहा? ना तो आपने यहाँ पे कोई प्रिंट कराने का इसको कहा है, ना ही आपने रिटर्न का कीवर्ड यूज किया है। यानी अगर आप रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करते तो फंक्शन अपना काम तो कर देगा, आप दो वैल्यूज जो पास करेंगे वो आप ऐड भी कर देगा, लेकिन आपको यहाँ पे वापस नहीं करेगा वो वैल्यूज। अगर आप रिटर्न का कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे तो तब आपको ये वैल्यूज वापस मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हम इसको करते हैं और ये आप इसने हमें 3 यहाँ पे दे दिया, हम प्रिंट नहीं कराया लेकिन फिर भी ये हमें 3 यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें ये रिटर्न में मिल रहा है। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम किसी न किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करते होते हैं और फिर जो है हम उस वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं, या मे भी हमारी फंक्शनैलिटी कुछ और उसके ऊपर कुछ और काम करने की भी हो तो हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसको किसी वेरिएबल के अंदर लें और फिर आप प्रिंट करा लें उसको, और उसके ऊपर और जो कुछ भी करना होगा फिर हम इस टोटल के अंदर ही आपके पास आया हुआ आप कर सकते हैं। तो दैट्स इनफ। तो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।